जैसे कि 1 तारीख से हमारी सरकारी गेहूं की खरीद शुरुआत हो जाएगी, उसके लिए जो भी हमारी तमाम तैयारियां होती हैं, बेसिक एमिनिटीज़ जो बोलते हैं, वो हमारी पूरी की पूरी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। जैसे कि हमने वाटर कूलर्स, ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर्स लगवा रखे हैं मंडी में। इसके अलावा हमने सुलभ शौचालय की व्यवस्था कर रखी है। किसी भी अगर किसान को कोई भी अपनी फसल के लिए कोई भी समस्या आती है तो उसके लिए किसान सहायता केंद्र भी हमने गेट पे बना रखा है। क्या कुछ रेट रखा गया है? हाँ, जैसे कि गेहूँ का जो रेट है वो 2275 तथा सरसों का 5650 प्रति क्विंटल निर्धारित। मेरा नाम ओमवीर है और मैं गांव लाला खेली से हूँ और मेरी 30 क्विंटल के करीब सरसों है और वे जो सरकार खरीद कर रही है 5650 पे MSP पे वो मैं बेचने आया हूँ, तो हम सरकार की पॉलिसी से बहुत खुश है। जैसे प्राइवेट बेचते हो, प्राइवेट से हमसे कुछ लाभ नहीं होता, उसमें तो 4500-4600 रुपये मनमौजी से वो लेते हैं, उसका कोई हमें फायदा नहीं है। हाँ, इसकी जो सरकार की पॉलिसी है MSP का, हम इससे बहुत खुश है। वो और हम आज बल्लभगढ़ मंडी में आए आज, तो हमारी सरसों का अच्छा मिल रहा है। ये है जी, जो हम वैसे की देंगे तो वे मनमौजी लेते हैं, ठीक है जी। अब जब सरकार लेती है तो हमारा पूरा पैसा आ जाता है। अच्छा, बनियों के जाके गिरेंगे, आड़त पे गिरेंगे तो जो मनमाए को देंगे, हमें मजबूरी में देनी पड़े, क्या करें। प्राइवेट, जैसे प्राइवेट, हाँ प्राइवेट देंगे तो हमें हमारी मजबूरी है, कम रेट पे, कम रेट पे जाएगी। बिल्कुल, सरकार ने जो दिया उससे संतुष्ट, बिल्कुल संतुष्ट है। पूरी लागत निकल पाती है इससे? नहीं, पूरी तो जब भी नहीं, तो लिगड़े जितनी लगे हैं, पर हाँ फिर भी कुछ तो हमारे पर भरपाई हुआ है। इसमें आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है या क्या है? हाँ, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता हो पहले।